रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है ना कि जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहां पे हम लोग को ये पढ़ना होता है कि ये रिएक्टेंट ऐड किए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक्स वाई जेड जो भी रिएक्टेंट आप लेंगे। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कैसे बना, किस पाथ को फॉलो किया, क्या बनने का प्रोसेस है उसका। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस होता है ना, उन सभी का अपने एक मैकेनिज्म होता है, और उन सभी मैकेनिज्म को डिटेल में हम लोग यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं, ताकि बाद में जब इंडिविजुअल चैप्टर आप पढ़ेंगे, अल्काइल लाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, अमाइन, जो भी आप पढ़ेंगे, वहां पे इसके मैकेनिज्म को फॉलो करवाते हैं, एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि ज्यादा हमें रटना नहीं पड़ता, सब समझ में आता है कि कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ते हैं तो फिर सारा आपको रटना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, और आप उतना सारा रट पाओ ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अब रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाथ पढ़ेंगे कि किसी पाथ को फॉलो करते हुए कोई रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये पाथ कौन कौन से हो सकते हैं। ये पाथ हो सकता है SN1, SN2, E1, E2, E1CB, डिफरेंट काइंड ऑफ पाथ। और इन सभी पाथ का यूज हाइड्रोकार्बन से लेके कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, जो भी चैप्टर आप पढ़ो बाबू, वहां हर जगह यूज होने वाला है। इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहीं भी इसका यूज होता है। अब इसको एग्जैक्ट पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जो एग्जिस्टेंस में है, और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले जो अपने आप को डिस्ट्रॉय करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट है जो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके सबको डिटेल में, जिसमें कार्बोनाइन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं जीओसी में, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोकेटाइन के बारे में। अब ये कार्बोकेटाइन बन होता क्या है, तो याद रखें कैटाइन मतलब जो कंटेन करे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन। तो कार्बन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज अपियर होगा तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो यहां पे हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने वाले हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को रिप्रेजेंट करते कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया आपका कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये कार्बोकेटाइन सबसे पहली बात कि बनता कैसे, तो कार्बोकेटाइन बनने का एक ही प्रोसेस है कि जब भी कोई अल्काइल ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड रहेगा, एंड उस केस में जब हेटरोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस ग्रुप से ये बॉन्डेड होता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो रीजन आपको पता होगा कि जैसे एक्स और वाई में बॉन्ड है, और इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन वाई, देन यहाँ पे क्या होता है कि एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है वाई से, तो इलेक्ट्रॉन प्लॉट शिफ्टेड टुवर्ड्स क्या आपका एक्स, एंड एक्स के ऊपर डेल निगेटिव चार्ज, एंड वाई के ऊपर क्या आपका डेल पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये इंडिकेटर है कि भैया फ्यूचर में अगर ये बॉन्ड टूटा तो टूटने के बाद एक्स पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और वाई पे कौन सा आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो उसी तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि जब अल्काइल ग्रुप अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम से बॉन्डेड हो, देन उस प्रोसेस में जब भी बॉन्ड टूटेगा तो अल्काइल ग्रुप के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अपियर होगा, और उस कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे कार्बोकेटाइन। जैसे एग्जांपल देखिए कि RCH2, अल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये G लगा हुआ है, कोई भी अननोन ग्रुप है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जी इज ग्रेटर देन सी, मतलब ये कार्बन से बॉन्डेड है बिकॉज कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, एक दो और दो हाइड्रोजन के साथ चार। अब ये कार्बन और ग्रुप में ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ज्यादा दिखा रहे हैं कंपेरेबल टू क्या आपका कार्बन, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा वो शिफ्टेड टूवर्ड्स क्या आपका जी, तो इस जी के ऊपर क्या आया डेल निगेटिव और इसके ऊपर क्या आया डेल पॉजिटिव। मतलब अगर बॉन्ड टूटा तो कंडीशन ये है कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टूवर्ड्स क्या आपका जी। अब इसमें क्या होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन जी का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, बट ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड जी, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन किसने लॉस किया इस कार्बन ने, तो लॉस करने वाले पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, गेन करने वाले पे कौन सा चार्ज निगेटिव। तो यहाँ पे कंडीशन आ गया कि RCH2 और इसके ऊपर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और साथ में ग्रुप के ऊपर आ गया क्या आपका निगेटिव चार्ज। तो अब देखो ये कार्बन पे अपियर हो गया क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कार्बोकैटायन। तो ये प्रिपरेशन का मेथड हो गया कार्बोकेटाइन का।
अब ये कार्बोकैटायन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ये देखो, जैसे ये कार्बन है, ये एक आर इधर बॉन्डेड है और एक चला गया आपका आउटसाइड, चला गया हाइड्रोजन एंड इनसाइड चला गया हाइड्रोजन, ठीक है, और बाकी बचा एक वैकेंट ऑर्बिटल इस तरीके से, या ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बनाएगा, है ना, और ये हो गया आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब अगर बात करें हम इसके बारे में डिफरेंट कंडीशन की क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हम लोग मेथड लगाएंगे आर के टेक्निक, स्टेरिक नंबर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। देखो बाबू, इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, एक प्रेजेंट है प्योर वैकेंट पी ऑर्बिटल जो परपेंडिकुलर है इसके प्लेन से, ये जो तीनों ग्रुप मिलके प्लेन बना रहे ना आर एच और एच, उसके परपेंडिकुलर मतलब अपर एंड बॉटम जा रहा है ये आपका कौन सा ऑर्बिटल, ठीक है, ये जो पी ऑर्बिटल है। अब अगर हाइब्रिडेशन का बात करें तो हाइब्रिडेशन एसपी टू है, इसका जो शेप होगा वो शेप हो गया आपका ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ कुछ बातें बात हम लोग कर ले कि ये क्या है, ये जो बन रही है क्या है, ये प्रोडक्ट है क्या, नहीं, कार्बोकैटायन का प्रोडक्ट नहीं होता। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये हो गया आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जो एग्जिस्टेंस में आए और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले जो डिस्ट्रॉय हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब देखो, अब ये जो कंप्लीट कंपाउंड किसी से रिएक्ट कर रहा होगा जिसमें जी बाहर गया, यहाँ पे इसके बदले कोई और आके अटैच हो जाएगा, तो उसके पहले देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, कार्बोकैटायन। तो मतलब देखो, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद कार्बोकैटायन बना और जब प्रोडक्ट बनेगा, जैसे मान लो एक्स माइनस यहाँ पे आ गया तो एक्स माइनस के साथ अटैच होके एक कंपाउंड बना लेगा, तो ये क्या हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो भी इंटरमीडिएट होता है वो सारे शॉर्ट लाइफ्ड होते हैं, तो ये हो गया आपका शॉर्ट लाइफ, ठीक है, शॉर्ट लिफ्ट हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है इसका कि जो भी इंटरमीडिएट होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव क्योंकि उनका एनर्जी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आपसे पूछा हाइब्रिडाइजेशन, तो ऑलरेडी अभी आपको हम बता चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा है इसका एसपी टू, इसका अगर आपको पूछे शेप तो शेप क्या बता देंगे आप, ट्रायगोनल प्लेनर। इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया बताओ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, तो लोन पेयर जीरो, कोई भी लोन पेयर है नहीं। अगर आपसे पूछा बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, ये देखो इस कार्बन और आर के बीच में एक बॉन्ड है, इधर कार्बन एच के बीच में, कार्बन एच के बीच में, तो 1, 2 और 3 बॉन्ड पेयर कितने हो गए आपके, 3 बॉन्ड पेयर। अगर पूछ रहा है आपसे कि बताइए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अगर पूछ दिया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख लो बाबू, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 4, 4 में से एक लॉस कर दे, कितना बचा, 3, 3 में से इस 3 आइटम के पास अलग अलग आइटम के साथ और बॉन्ड बना रखा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन उधर से आ गया, तो 3, 3 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर पूछे बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या है, तो एक वर्ड होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। तो फिर से आप यहां देख लीजिए, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये एच है और ये इधर एक एच और है, उसके बाद इधर से आर है, ठीक है, ये इधर वैकेंट पी ऑर्बिटल है। देखिए बाबू, कार्बन के वैलेंस शेल में 3 है और 3 इधर से आया, तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर यहां प्रेजेंट है तो ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो लेविस एसिड की तरह भी बिहेव करता है, मतलब ये क्या हो गया आपका, लेविस एसिड, ठीक है। लेविस एसिड के अलावा आप लोग सुनेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए भाई, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो अब आप यहां पे देख लीजिए, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं,
एक वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, तो इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब ये क्या किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। देन कार्बोकैटायन बिहेव एज क्या? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको इस कार्बोकैटायन के बारे में बताया, ठीक है। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं कि ये जो कार्बोकैटायन है, ठीक है, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी कब इंक्रीज होगी और कब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराएगा और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज कराएगा, ठीक है। तो सीधी बात आप जान लो कि अगर कोई भूखा प्यासा है, उसको खाना अगर खिला रहे हो आप, तो मतलब उसकी स्टेबिलिटी को आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। अभी हम बात कर रहे हैं इस कार्बोकैटायन का, तो कार्बोकैटायन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, यह है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यह है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसको भैया चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो सीधा बात, इसका ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो वो ऐसे ग्रुप के साथ अटैच्ड होना चाहेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करे। जो भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कंटेंट को धीरे धीरे जो इंक्रीज कराएगा, तो मतलब इसके स्टेबिलिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बोलोगे सर कैसे? क्योंकि देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास है टोटल अभी 6 इलेक्ट्रॉन, तो कम से कम 8 ना भी हो पाए लेकिन थोड़ा बहुत 6 से तो इंक्रीज हो, मतलब इसको कोई देने वाला मिले इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि यहां पे जो बगल से ग्रुप लग गया है वो देने वाला नहीं है, वो खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, तो पहले से 6 है और खींच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे क्या कर देगा? डिक्रीज। तो ऑक्टेट से और दूर चला गया, तो और दूर चला गया तो स्टेबिलिटी और भी इसका क्या हो गया? कम हो गया। तो वो बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराएगा इस कार्बन पे, तो समझेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या आपका इंक्रीजेस, मतलब वैसे ग्रुप इसके लिए अच्छे होंगे, और वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे वो इसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे और इलेक्ट्रॉन खींच के इसको और डेफिशिएंट बना देगा। तो सीधी बात हम लोग ये रखेंगे याद कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं, दूसरा लाइन, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीजेस। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करना हो तो आप देख लीजिए उसके अराउंड कैसे ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं इसके एग्जाम्पल, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल, कि कब कब बनेगा कार्बोकैटायन और बनने के बाद क्या कंडीशन होगा। सबसे पहले आप यहां पे देख लें कि अगर ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां दिया हुआ CH2 और ये G दिया हुआ ग्रुप, अब वही बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ग्रुप इज हायर देन कार्बन, देन ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्टेड टुवर्ड दिस ग्रुप, देन इस कार्बन और इस G के बीच का बॉन्ड जो क्या होगा? ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा तो G पे नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट अगर इसका हम लिखे कि इसका इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो ऐसा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर से आ गया CH2 और ये क्या आ गया आपका? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, और जब भी पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में होता है
देन उस कंडीशन में वो शो करेगा क्या आपका रेजोनेंस। तो ड्यू टू रेजोनेंस इस पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी क्या होगा इंक्रीज होगा। और अगर अभी आपसे पूछा जाए कि बता दो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो पहले आप देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है ना वो चार सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, दो यहाँ से एक तीन और ये चार, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका sp2। कैसे sp2, एक सिग्मा इधर से और ये दो सिग्मा, एक इसके पास प्रेजेंट होगा प्योर पी ऑर्बिटल। अब जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसका ऑर्बिटल डायग्राम, तो देखिए कैसा होता है कि यहाँ पे सी 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 दो एच प्रेजेंट है यहाँ पे ऐसा, ठीक है यहाँ भी दो एच प्रेजेंट है इस तरीके से, और यहाँ पे एक एच प्रेजेंट है, और बाकी इस सी और सी के बीच में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पाई बॉन्ड आपको पता होगा कि ऑलवेज बनता है किसके बीच में, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ क्या आपका प्योर पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है किसका प्योर पी ऑर्बिटल का। उसके बाद इसके पास एक प्रेजेंट है आपका क्या वैकेंट ऑर्बिटल। और आपको हम बताए थे कि कार्बोकेटाइन के केस में ये वाला जो ऑर्बिटल आपको दिख रहा है वो कैसा हो गया आपका प्योर प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरे कंडीशन पे हम लोग जा रहे हैं, दूसरे एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल इसका ये है कि अगर ये ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये G लगा हुआ है, और फिर से यहाँ पे वही बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस G इज ग्रेटर देन कार्बन, देन जब बॉन्ड टूटेगा तो G पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ जेनरेट हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये आपका कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे फिर से अगर पूछे आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, तो देखिए भी कैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं। कंडीशन ये है कि अगर अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन आप देखो इस कार्बन का, तो एक सिग्मा इस जी के साथ है, एक सिग्मा इस कार्बन कार्बन के साथ है, और एक सिग्मा कार्बन और हाइड्रोजन पे होगा, तो टोटल सिग्मा हो गया तीन। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp2, ठीक है। अब अभी यहाँ पे आप आ जाओ बाबू, तो देखो एक सिग्मा इधर से और एक सिग्मा इधर से सी और एच के बीच में, तो दो ही सिग्मा है, ठीक है, और एक पाई बॉन्ड, क्योंकि चार में से एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक लॉस कर दिया, तो तीन और इलेक्ट्रॉन बचा है इसके वैलेंस शेल में, तीन इलेक्ट्रॉन में से तीन बॉन्ड बना लिया है, दो सिग्मा और एक पाई, तो पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बाबू आपका sp, ठीक है। मतलब यहां भी एक प्योर वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल है। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है, तो आप देख लो, जैसे यहां पे कंडीशन होगा कि CH ये कार्बन के साथ दो बॉन्ड हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पे C, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक H दिखा दो। अब इस कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड है, तो वो बना होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ क्या आपका प्योर पी ऑर्बिटल, तो ये करवा दीजिए भैया साइड वाइज ओवरलैपिंग प्योर पी ऑर्बिटल का। तो इसके अलावा एक ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है जो वैकेंट है, ये जो आप देख रहे हो ये हो गया आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल। साथ ही साथ आप लोग नोट डाउन भी करते जाएंगे, और हर रोज इवनिंग में हमें अपने नोट्स का व्हाट्सअप करते जाएंगे ताकि मैं चेक कर सकूं आप कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके पास क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो कोई कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो मतलब उसका रेजोनेंस भी होने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा है सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये एक जी लगा हुआ है, और फिर से वही बात कि ये जी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो ज्यादा है कंपेयर टू सी, देन ये इलेक्ट्रॉन ऐसा शिफ्ट होगा टुवर्ड्स जी, ठीक है, जहां पर कंडीशन है कि सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ पे आ गया क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। लेकिन देखो इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, डायरेक्ट को नहीं बताता, ठीक है, इसलिए बुक वाले डायरेक्ट लिखते नहीं है, लिटरेचर में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दिया गया है। कभी कोई बोल देता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में इसका वैकेंट है या प्योर वैकेंट है, बट मैं जो आप बता रहा हूँ उससे आप ध्यान रखिएगा। इसमें कंडीशन ये है कि अभी हाइब्रिडाइजेशन इसका sp है और इसका भी sp है, और यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन मिनिमम s और p का तो इंटरमिक्सिंग होगा ही ना, इसीलिए यहाँ पे sp हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। और इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप देखें तो ऐसा एजुम्पन्स है कि सी और इधर से आपको दो पाई बॉन्ड है, तो एक पी का ओवरलैपिंग ऐसे हो गया इसका और दूसरा पी का इसका ओवरलैपिंग इस तरीके से हो गया, ठीक है, और इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है
but this is not pure vacant p orbital, this is sp hybridized vacant orbital. तो ये कंडीशन भी आप ध्यान रखिए. अब बोलोगे सर इतने सारी बातें आपने क्यों बताया, तो इसलिए बताया ताकि आपको ध्यान रहे कि भैया कार्बोकैटायन जब बनता है ना तो बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन फिक्स रहता है, फिक्स नहीं होता. हो सकता है कि ये जो कार्बोकैटायन आप देख रहे इसका हाइब्रिडेशन sp(o), sp(2)o, sp(3)o, वो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन एंड डिपेंडिंग अपॉन गिवेन रिएक्टेंट, किस टाइप का रिएक्टेंट आपको गिवेन है, जैसा गिवेन रहेगा उसी के हिसाब से अपन उसका हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आप देख लो बाबू, फोर्थ एग्जांपल ये कि अगर बात करें इस बेंजीन का और बेंजीन में कोई एक ग्रुप लगा हुआ है ऐसा, ठीक है, और अगर इस कार्बन से इस ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और अगर यहां से जी माइनस बाहर कर दिए तो यहां पे इस बेंजीन के कार्बन जहां से जी लगा हुआ था उस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. अब एक बात आप जान लीजिए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं कर रहा तो जिस कार्बन पे प्रेजेंट है वहीं पे प्रेजेंट रहेगा, मतलब ये डीलोकलाइज्ड नहीं है, ये घूम नहीं रहा है, 100% इसी पॉइंट पे प्रेजेंट है, मतलब इसका डाइवर्जन नहीं हो रहा. तो इस वजह से जब भी बेंजीन पे एग्जैक्ट पॉजिटिव चार्ज और एक पॉइंट पे फिक्स हो जाए तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, बिकॉज दिस इज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस. क्योंकि जैसे पहले कॉन्जुगेशन था डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल का, उसी तरीके से अभी भी कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल का. तो ये पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में, तो ये पाई बॉन्ड आपस में अगर कॉन्जुगेशन में है तो ये आपस में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो जैसा तब मतलब एक पॉइंट पे प्रेजेंट है बाद में भी इसी पॉइंट पे प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल होता है. इस वजह से बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकैटायन जनरली अराइज नहीं होता, ठीक है, मतलब हम लोग नहीं बना के दिखाते, ठीक है, और अगर कभी बना भी दिए तो ध्यान रखिएगा बहुत बर्बाद स्टेबिलिटी होता है इसका, बेकार घटिया थर्ड क्लास, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है. तो एक पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, फिनाइल कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल एंड जनरली नॉट फॉर्म. फिनाइल कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल एंड जनरली नॉट फॉर्म, जनरली नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म, ठीक है. अब देखो अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, इंटरमीडिएट पढ़ाया, और इंटरमीडिएट में कौन सा कार्बोकैटायन, अब उसमें क्या बताया कि भैया कार्बोकैटायन बनता कैसे, एंड उसके बाद आगे हम बढ़ रहे तो बात यह आया था कि कार्बोकैटायन जो बनेगा ना उसके स्टेबिलिटी को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है और कौन सा स्टेबल नहीं है, और स्टेबिलिटी के लिए क्या फैक्टर है. तो एक बात आपको बता दें कि जो कार्बोकैटायन बना है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही नहीं, तो मतलब अगर कोई उसको पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन तो 100% को ऑक्टेट मान लो नहीं भी कंप्लीट करा रहा है ना, थोड़ा बहुत भी 6 से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा मान लो इंक्रीज हो गया 6.5 6.3, तो भैया 6 से तो बढ़ा ना, टुवर्ड्स ऑक्टेट तो मूव किया ना, अब जितना मूव करेगा उसके तरफ उतने उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है. तो कुल मिला के सीधा सीधा बात याद रखें, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है उस ग्रुप पे जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप पे, और जो विड्रॉ करने वाले ग्रुप होते हैं ना और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करा देंगे तो उसके ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड कार्बोकैटायन का नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, तो जो डोनर होगा, ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का डिफरेंट तरीका बताया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, थ्रू रेजोनेंस, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है. अब कंडीशन ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट ये अभी का टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये आप पढ़े होंगे जीओसी में. अब वही कंडीशन है कि उसका भी यहां पे हम लोग यूज करेंगे, और अब कंडीशन ध्यान रखें कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जब भी आपको चेक करना है तो सीधा बात जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा उसी के थ्रू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज होगा. अब बात यह है कि अगर 2-3-4 कार्बोकैटायन आपको दे दिया है
और उसमें अगर आपको बोल रहा है कंपेयर करो स्टेबिलिटी, ठीक है, और उसमें जो डोनर ग्रुप है ना, हर एक जो तीन चार कंपाउंड दिया है उसमें सबका बिहेवियर अलग है, कोई इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू डोनेट कर रहा है, कोई मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू डोनेट कर रहा है, कोई रेजोनेंस के थ्रू डोनेट कर रहा है, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू डोनेट कर रहा है, तो भैया अब किसकी स्टेबिलिटी को सब ज्यादा पावरफुल समझेंगे? तो याद रखें, हम एक यहां पे आपको ट्रेंड बता रहे हैं जो लिटरेचर पे जनरली नहीं मिलता, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए, सबसे पावरफुल मेसोमेरिक होता है, ठीक है, और हर एक इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक प्लस दूसरा माइनस। प्लस प्लस तब लगता है जब कोई ग्रुप देता है, और हमको यहां पे कौन चाहिए, कार्बोकेटाइन को, जो दे तो जो देगा तो ये लेगा कार्बोकेटाइन, और लेके इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो प्लस एम, ठीक है। प्लस एम के बाद प्लस आर, उसके बाद होता है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे इसमें जो कम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। ये ट्रेंड है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्टेबिलिटी हम लोग, मोस्ट पावरफुल स्टेबिलाइजेशन कब होगा, जब मेसोमेरिक के थ्रू स्टेबिलाइजेशन होगा, उसके बाद रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर इंडक्टिव। अब ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको रीजन बताता हूं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल नंबर वन ये है कि जैसे आपको दिया CH2 और यहां दिया O और ये H, यहां पे O के ऊपर है या लोन पेयर, ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब आप यहां देखिए, इस कार्बन पे अगर आप आ जाए बाबू, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे, ये एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और दो बॉन्ड बनाया कितना, हाइड्रोजन के साथ, तो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मतलब अगर बात करें ऑक्टेट का, ऑक्टेट तो ऑक्टेट इसका कैसा है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है अभी, ठीक है। अब एक चीज आप यहां पे देखो, मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि कोई लोन पेयर टुवर्ड्स इफेक्ट प्रोड्यूसिंग सेंटर डोनेट करे। तो अब यहां देखो, ये पॉजिटिव सिंगल और लोन पेयर आपस में किस में है, कॉन्जुगेशन में। अब अगर ये कॉन्जुगेशन में है तो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस के थ्रू ये देखो, अब कैसे होता है रेजोनेंस, कि एक इलेक्ट्रॉन दो में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, तो देने वाले पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, लेने वाले पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव। निगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल, और इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन देते वक्त ऑक्सीजन ने कार्बन को बोला, बेटा इलेक्ट्रॉन लेके भागना मत, हम ही से बॉन्ड बनाना। तो अब देखो, इस ऑक्सीजन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, फिर आपस में ये बॉन्ड बना लेते हैं, एंड फाइनली इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है आपका, पॉजिटिव चार्ज। और इसको ऐसे नॉर्मली ऐसे दिखाते हैं इस तरीके से, तो यहां पे आ गया CH2 डबल बॉन्ड OH। अब दो में एक लोन पर इसका तो यहां बॉन्ड में चला गया, एक लोन पर बचा, और इसके ऊपर आ गया क्या आपका, पॉजिटिव चार्ज। जनरली आप ये सुने होंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंटेन नहीं करते, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखिएगा कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा, लेकिन वो तभी करेगा जब उसके डोनेशन के बाद किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और आप यहां पे ऑब्जर्व करो, ये जो कार्बन है पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अभी इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप यहां देखिए, इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो गया, तो कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है बाबू, एक दो, और दो हाइड्रोजन के साथ, टोटल कितना हो गया, 4 बॉन्ड। अब ये 4 बॉन्ड, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 2 जो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। और इस ऑक्सीजन का भी आप चेक कर लो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, एक लॉस कर दे, कितना बचा, 5 5 बचा। अब 5 बचा, 5 में से 1 2 3 बॉन्ड बना लिया, तो 3 बॉन्ड के कारण भी अगर इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कुल मिला के इस स्ट्रक्चर का, मतलब इस कंपाउंड के इस फॉर्म में जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और आपको पता है कोई भी कंपाउंड क्यों बॉन्ड बनाता है, क्यों कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो सके, कंप्लीट। तो यही चीज ऑब्जर्व हुआ है कि मेसोमेरिक इफेक्ट के कंडीशन में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑब्जर्व होता है इन केस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। और आप यहां पे देख लो, इस कार्बन का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इंडक्टिव हो तो कुछ पार्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन वहां पे डोनेट होता है, ऐसे कोई 100% इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ना अपना,
100% इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट करवाया, इसीलिए मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे पावरफुल होता है। अब बोलोगे सर मेसोमेरिक और रेजोनेंस कैसे पहचानेंगे, तो याद रखिएगा कि जब लोन पेयर इन्वॉल्व हो रेजोनेंस में तो वो मेसोमेरिक का पार्ट होता है, और सिर्फ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रेजोनेंस में तो वो रेजोनेंस का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल भी आप देख लें, इसमें सी एच टू पॉजिटिव और यहाँ पे NH2 है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड, तो एक हो गया लोन पेयर। अब देखो लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव चार्ज अभी भी ये है कॉन्जुगेशन में, अगर ये कॉन्जुगेशन में है बाबू तो देखो ये इधर जाएगा तो फिर रेजोनेंस होगा, तो इधर बॉन्ड बनेगा इसका सी एच टू डबल बॉन्ड NH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब पूछोगे सर ये कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ। देखो